तो दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियोस बनाया था जहाँ पे मैंने बताया था कि वन कार्ड क्रेडिट कार्ड को कैसे अप्लाई करना है और बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि भाई अप्लाई करने का प्रोसेस वहाँ पे नहीं आ रहा है, बहुत सारा लिंक जो है वहाँ पे एक्सपायर कर गया है। लेकिन फिलहाल दोस्तों उसका वन कार्ड का ही एक एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है जिसका नाम है वन स्कोर, जिसमें आप आसानी के साथ उसमें आप क्रेडिट स्कोर भी देख सकते हो और साथ में दोस्तों आप वन कार्ड का क्रेडिट कार्ड है उसी के बिहार पे वहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हो। और जैसे मैंने बताया था कि आपको FD अगेंस्ट कैसे आपको क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना है, और दोस्तों अगर आप वन स्कोर के बिहार पे वहाँ से जाकर आप लिंक पे क्लिक करके अगर वन कार्ड को अप्लाई करने की कोशिश करते हो तो वहां से ज्यादा चांसेस है वहां से आपका लिमिट मिलने के लिए या फिर से आप अप्रूवल ले सकते हो विदाउट एनी FD। तो इस वीडियो के अंदर मैं बताया हूं दोस्तों कि वन स्कोर के अंदर आपको अकाउंट को कैसे क्रिएट करना है, वहां पे उसका सिविल का क्या, वहां पे रिपोर्ट कैसे अपडेट होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जिसमें कि आपको प्रीमियम वर्जन यूज करना पड़ेगा आपको रेगुलरली जो होता है हर मंथ का जो सिविल रिपोर्ट होता है देखने के लिए। लेकिन वन स्कोर में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है और सिविल और एक्सपीरिया दोनों का यहाँ पे क्रेडिट स्कोर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट देखिएगा A to Z, इसमें मैं प्रोसेस बताया हूं कि कैसे आपको अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है, साथ में ही स्कोर को कैसे यहां पे मेंटेन करके रखना है, ठीक है। और सबसे कमाल की चीज है दोस्तों कि अगर आप एक मंथ के अंदर अंदर आप चाहते हो अपने स्कोर को 750+ या 700+ करने के लिए, फिर से 3 महीने के अंदर अंदर वो भी चीज इस एप्लीकेशन के अंदर बताया गया है। तो पूरा A to Z इसमें मैं बता दूंगा कि क्या करना पड़ेगा जिससे कि आपका सिविल स्कोर बढ़ जाएगा और साथ में ही कैसे आपको वन कार्ड का यहां पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करता हूं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले करना क्या है दोस्तों कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वन स्कोर एप्लीकेशन, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से देखने को आपको मिलेगा। सिंपली क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से या फिर से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सिंपली दोस्तों क्लिक करते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से वेलकम टू वन स्कोर का ऑप्शन आ जाएगा। फ्री क्रेडिट स्कोर, लर्न टू मैनेज क्रेडिट और नो एड्स नो परमिशन, इसमें कोई भी आपको एड्स देखने को नहीं मिलेगा, साथ में आपको कोई भी परमिशन देखने को नहीं मिलेगा, टोटली सेफ एंड सिक्योर है। बहुत सारे लोगों का जो प्रॉब्लम आता है वन कार्ड क्रेडिट कार्ड को लेकर कि अप्लाई कैसे करना है, बहुत सारे लोगों के पास ऑप्शन नहीं आता है, अप्लाई नहीं हो पाता है, तो वो बंदा भी इस वीडियोस को जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चल जाएगा कि वन कार्ड का क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई करना है, इस वीडियोस के अंदर ही बताऊंगा। साथ में दोस्तों यहां पे देख सकते हो गेट स्टार्टेड जो है इस पे आपको क्लिक कर देना है। बहुत सारे लोगों को जो प्रॉब्लम आता है क्रेडिट कार्ड स्कोर को लेकर कि स्कोर हमें कैसे चेक करना है, बहुत सारे जो एप्लीकेशन है उसमें आपको एड देखने को मिलेगा या फिर से आपको उसमें प्रीमियम वर्जन लेना पड़ता है। सिंपली दोस्तों क्या करना है, फ्री एक्यूरेट क्रेडिट स्कोर जो है यहां पे चेक माय स्कोर जो है इस पे आपको क्लिक कर देना है। सिंपली दोस्तों आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे, आप अपना फोन नंबर डालेंगे, डालने के बाद सिंपली यहां पे गेट OTP के ऊपर क्लिक कर देना है, OTP ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। साथ में दोस्तों पूछ रहा है कंफर्म योर ईमेल एड्रेस, तो आपका जो ईमेल आईडी है दोस्तों दिखाना स्टार्ट कर देगा और साथ में आपका ईमेल आईडी यहां पे डालेंगे, सिंपली डन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। डन के ऊपर दोस्तों क्लिक करते हैं, न्यू क्रेडिट रिपोर्ट इज ऑन द वे, अब आपका जो भी डाटा है दोस्तों यहां पे फिच किया जाएगा और साथ में दोस्तों सारा डिटेल्स आपका जो है यहां पे दिखाना स्टार्ट कर देगा। नीचे में आएंगे दोस्तों तो यहां पे देख सकते हो कि आपका सिविल स्कोर दिखाना स्टार्ट कर देगा। एक्सपीरिया के अंदर जो दिखा रहा है सारा डिटेल्स यहां पे कि आपका अकाउंट कितना एक्टिवेट है इस पे आप क्लिक करोगे और साथ में ओपन अकाउंट डिक्रीज जो है इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको दिखाना स्टार्ट कर देगा कि कितना कितना आपका कौन कौन सा यहाँ पे स्टार्ट है। देख सकते हो कि यहाँ पे स्नैप मिंट है, साथ में आपका इंडिया फर्स्ट बैंक लिमिटेड है, उसके बाद TVS क्रेडिट है, ठीक है, और आपका टोटल 5 जो है यहाँ पे क्लोज हो चुका है। सिंपली यहाँ से हम बैक कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऊपर तो आउटस्टैंडिंग में आपका दिखा देगा फेयर है 50% और रीपेमेंट देख सकते हो यहाँ पे दिखाना स्टार्ट कर दिया। अगर आपको सिविल को अपग्रेड करना है तो होता क्या है, आपका सिविल जो है डाउन है और बार बार आप कहीं पे इंक्वायरी कर रहे हो या फिर से क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें भी क्या होता है कि गलत इंपैक्ट पड़ता है। सपोज करो कि 650 आपका सिविल है किसी भी बैंक के लिए अप्लाई किए तो वहां पे जो रिपोर्ट आपका शो होगा तो बैंक भी वहां से क्या करेगा कि आपका रिपोर्ट को और डाउन कर देगा क्योंकि वहां पे अप्रूवल उस टाइम नहीं मिलता है। इंप्रूव स्कोर के ऊपर आपको क्लिक करने के बाद यहां पे बता देगा कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। 770 तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट अप नंबर 3 महीने के अंदर आपको जाना है, ठीक है। अब दोस्तों यहां पूछ रहा है कि सेट योर गोल, कि आप चाहते हो कि 730 करने के लिए, 770 करने के लिए, 900 करना चाहते हो 1 महीने में, 3 महीने में या फिर से 12 महीने के अंदर, तो उस हिसाब से आपको क्या करना है यहां पे सिलेक्ट करना है। तो सपोज कीजिए 3 महीने के अंदर मुझे कितना करना है, 770 कर लेना है, ठीक है। अब सिंपली दोस्तों आपको करना क्या है, यहां पे इंप्रूव स्कोर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहां पे देखिए क्या ऑप्शन आ रहा है, इतना स्कोर के लिए आप बोल रहा है कि नंबर ऑफ 3 महीने के अंदर, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहां पे बोल रहा है क्लोज अकाउंट दैट हैव नॉट बीन यूजिंग लास्ट 6 महीने, यानी कि अगर आपका अकाउंट कोई आप यूज करते हो, यानी कि कोई भी आप फाइनेंस कराए हो, लोन लिए हो और 6 महीने से आपने उसे यूज नहीं किया है तो उसको आप क्लोज करा दीजिए, ठीक है। उसके बाद गेट ए क्रेडिट कार्ड एंड पे ऑल ऑफ देम ड्यूज टाइम, यानी कि जो भी अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो उसका जो ड्यूज है उसको टाइमली पेमेंट करना है। साथ में यहाँ पे योर पेमेंट इज 3 अकाउंट आर ऑन द टाइम,
उसके बाद से दोस्तों बोल रहा है कि आप यहाँ पे 6 मंथ से जो आप अकाउंट नंबर ये वाला यूज़ किए हो तो आपको 1 मंथ के अंदर इसको बंद करवाना है। साथ में यहाँ पे बोल रहा है कि आप अपने जो स्नैपमेंट जो एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हो तो उसको क्या करना है 1 मंथ के अंदर अंदर उसको भी आपको क्या करना है क्लोज करवा देना है। तो आपका जो सिविल है दोस्तों 770 ऑटोमेटिक चला जाएगा। सिंपली इस पर ट्राई करने के ऊपर क्लिक करके तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि 1 मंथ में आपको जैसे 750 करना है तो क्या करना पड़ेगा। इस पर आप क्लिक कर लेंगे तो उसी तरीके से यहाँ पर सारा चीज़ दिखाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि आपको कितना रखना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको करना है बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पे साथ में दोस्तों आउटस्टैंडिंग बैलेंस यहाँ पे दिखाना स्टार्ट कर देगा। इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि आप कितना अभी टाइमली पेमेंट कर रहे हो। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका जो है हमारा क्रेजी बी का 100% हो चुका है, टीबीएस का भी 61% चल रहा है, स्नैपमिंट का 34%। साथ में अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि 100% ये सारा चीज़ यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो इसका जो अकाउंट है मुझे क्लोज कराना है तो अभी देखते हैं कब तक क्लोज होता है। अब दोस्तों यहाँ बात करते हैं कि वन कार्ड का क्रेडिट कार्ड जो है दोस्तों इसमें से कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि ये वन कार्ड इसको यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप स्लाइड करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा अप्लाई नाउ का ऑप्शन क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड। अगर नहीं मिलता है तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे लो और नो क्रेडिट कार्ड स्कोर जो दिया है सिंपली इस पे आपको क्लिक कर देना है, क्योंकि इससे अगर रीडायरेक्ट करके आप वन कार्ड का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो तो उसमें चांसेस होता है कि विदाउट FD आपको यहाँ से आसानी के साथ मिल जाएगा। सिंपली दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपके सामने ऑप्शन बन किया जाएगा, सिंपली नीचे में स्लाइड करके आपको जाना है। नीचे में आएगा तो दोस्तों एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे वन कार्ड का ऑप्शन, सिंपली वन कार्ड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके का ऑप्शन बन किया जाएगा, देख सकते हो से हाई टू वन कार्ड टीम। अब सिंपली क्या करना है, इस लिंक से आपको क्या करना है यहाँ पे अपने मोबाइल के अंदर अपने इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले से आपको क्या करना है डाउनलोड कर लेना है। ठीक है ना, यहाँ से आप रीडायरेक्ट अगर होकर जाते हो तो आपको चांसेस ज़्यादा होगा यहाँ से डाउनलोड करने के लिए। और यहाँ पे अपना ओपन इन प्ले स्टोर जो है या फिर से इंस्टॉल के ऊपर आप क्लिक करके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया है वीडियोज़ में कैसे आपको इसका KYC करना है, कैसे इसको अप्लाई करना है, सेम वही प्रोसीजर से इसको अप्लाई भी करना है। और अभी तक आपने वीडियोज़ नहीं देखा है अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर से आई बटन के ऊपर आपको दे दूंगा लिंक, वहाँ पर आप क्लिक करके इसका आप देख सकते हो कि कैसे वन कार्ड का यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर लेना है। तो इस वन स्कोर के बिहाफ पे अगर आप इसे यूज करते हो, वन स्कोर के लिंक से अगर आप इसे यूज करते हो तो जाहिर सी बात है उसके बिहाफ पे आपको यहाँ पे क्रेडिट लिमिट मिलने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है। बहुत सारे लोग जो अप्लाई नहीं किए हैं तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नया चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।